धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर कंप्यूटर टीचर रोहिन इंसा, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक है डाटा वैलिडेशन एंड सब टोटल का। तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान होगा लास्ट टाइम हमने फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग का टॉपिक किया था, तो फ्रेंड्स उसी टेबल पर आज हम अप्लाई करके देखेंगे कि डाटा वैलिडेशन एंड सब टोटल कैसे वर्क करता है। तो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं डाटा वैलिडेशन कैसे अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स हमारे पास ये टेबल थी लास्ट वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम जो मार्क्स हैं हमारे, अगर हम 81 एंटर करते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पर सम 101 हो जाता है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि 100 से ऊपर हमारे मार्क्स नहीं जा सकते। अगर हम विशाल एंटर करते हैं तो भी यहाँ पर एरर आ जाता है, वैल्यू एरर आ जाता है। तो फ्रेंड्स हमें कुछ ऐसा करना है कि फ्रेंड्स हमारे ये मार्क्स 80 के अबव ना जाएं, क्योंकि फ्रेंड्स मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर 80 हैं। तो फ्रेंड्स हमें इस रेंज को सिलेक्ट कर लेना है और डाटा टैब के अंदर हमें डाटा वैलिडेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे डाटा वैलिडेशन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें क्राइटेरिया लगाना है, ओनली होल नंबर्स, हमें होल नंबर्स यानी 0, 1, 2, 3 ये नंबर ही हमें एंटर कर पाएँ। एंड यहाँ पर फ्रेंड्स काफ़ी सारे ऑप्शन है, लाइक बिटवीन, नॉट बिटवीन, नॉट इक्वल टू। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें बिटवीन सेलेक्ट कर लेना है एंड फ्रेंड्स उसका रेंज हमें रख देना है 0 से लेकर 80 के बीच में, क्योंकि हम 0 से कम मार्क्स भी एंटर नहीं कर सकते और 80 से अबव भी नहीं कर सकते। एंड फ्रेंड्स उसके बाद आपको एरर अलर्ट टैब पर जाना है एंड फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एरर का स्टाइल दे देना है, आपको स्टॉप, यहाँ पर 3 टाइप के स्टाइल्स हैं, और टाइटल दे देना है आपको मार्क्स एरर, कोई भी टाइटल दे सकते हैं आप। एंड फ्रेंड्स एरर मैसेज में आपको एक मैसेज टाइप कर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लाइक हम लिख देते हैं, यू कैन ओनली एंटर मार्क्स बिटवीन 0 to 80। तो फ्रेंड्स ये मैसेज हमें डिस्प्ले होगा जब भी हम 80 के अबव या बिलो या कोई नेम एंटर करने की कोशिश करते हैं मार्क्स वाले बॉक्स में, और इसे ओके कर देना है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इस बार अगर आप 81 मार्क्स एंटर करने की कोशिश करते हैं तो फ्रेंड्स आप देखते हैं कि आपको मैसेज रिसीव होगा, यू कैन ओनली एंटर मार्क्स बिटवीन 0 to 80। आप फिर से रिट्राई कर सकते हैं या कैंसिल कर सकते हैं, तो आप रिट्राई करिए। अगर आप फिर से गलत मार्क्स एंटर करते हैं तो फ्रेंड्स आपको फिर से एरर आएगा, आप कैंसिल करेंगे तो वापस से आपके प्रीवियस मार्क्स आपको डिस्प्ले हो जाएंगे, लाइक 80 जो कि आपके पहले एंटर किए हुए थे। और फ्रेंड्स अब हम डाटा वैलिडेशन लगाएंगे इंटरनल असेसमेंट पर। तो फ्रेंड्स उसके लिए हम फिर से डाटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे एंड फ्रेंड्स इस डायलॉग बॉक्स में हम फिर से होल नंबर सेलेक्ट करेंगे वैल्यू के लिए। एंड फ्रेंड्स डाटा के लिए हम लेंगे बिटवीन का कंडीशन एंड फ्रेंड्स 0 से 20 का रेंज रहेगा, क्योंकि हमारे मार्क्स इस बार 0 से 20 के बिटवीन रहेंगे। एंड फ्रेंड्स एरर अलर्ट में हम इस बार फिर से टाइटल दे देंगे मार्क्स एरर। एंड फ्रेंड्स एरर मैसेज हम थोड़ा चेंज रखेंगे, लाइक यू कैन ओनली एंटर मार्क्स बिटवीन 0 to 20, इस बार हमारा कंडीशन 20 का है, और ओके कर देंगे। तो फ्रेंड्स इस बार आप जैसे ही एंटर करने की कोशिश करेंगे 21 मार्क्स, तो फ्रेंड्स आपको इस बार फिर से एरर डिस्प्ले होगा दैट यू कैन ओनली मार्क्स एंटर बिटवीन 0 to 20। तो फ्रेंड्स ये वैलिडेशन हमने इन दोनों कॉलम्स पर लगा दी है, मार्क्स और इंटरनल असेसमेंट। तो ऑटोमेटिकली आपका टोटल भी वैसा ही रहेगा, उस पर भी ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया, क्योंकि जब आप मार्क्स और इंटरनल असेसमेंट में कोई गलत वैल्यू एंटर करेंगे ही नहीं तो ऑटोमेटिकली टोटल भी सही आएगा। और फ्रेंड्स इन दोनों कॉलम्स में अगर आप न्यूमेरिक वैल्यू की जगह कोई नेम एंटर करते हैं तो भी आपको डाटा वैलिडेशन की वजह से एरर मिलेगा। तो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं कि हमारे को सब टोटल कैसे अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स उसके लिए हम एक फील्ड एंटर कर देते हैं नया टर्म नेम से एंड फ्रेंड्स इसको हम वैल्यूज एंटर कर देते हैं इसकी, इसको पहले से एंटर कर लेते हैं एंड फ्रेंड्स इसमें वैल्यू एंटर कर देते हैं PT1। तो फ्रेंड्स इसको कॉपी कर लेते हैं PT1 और फ्रेंड्स इनका अलाइनमेंट भी सेंटर कर देते हैं। एंड फ्रेंड्स इसके बाद आपको करना क्या है, इस डाटा को सिलेक्ट कर लेना है PT1 से लेकर 97 तक, ये पूरी हमारी टेबल को सिलेक्ट कर लेना है और इसे कर लेना है कॉपी। तो कॉपी करने के बाद हम इसकी 2 कॉपीज़ बनाएंगे, पहले इसको यहाँ पेस्ट करेंगे Ctrl+V की हेल्प से एंड फ्रेंड्स फिर एक और कॉपी इसकी पेस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम PT1 की जगह सेकंड कॉपी में हम 2 कर देंगे और नीचे तक इसे कॉपी कर देंगे, तो ये हमारे PT2 के मार्क्स हो जाएंगे। एंड ये हम थर्ड वाली टेबल को हम रख देते हैं फाइनल, तो ये हमारे फाइनल के मार्क्स हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसमें हम डाटा में भी थोड़ा चेंज कर देते हैं, लाइक कंप्यूटर के मार्क्स 75 कर देते हैं और बाकी मार्क्स भी चेंज कर देते हैं। एंड फ्रेंड्स थर्ड टेबल में भी हम थोड़े थोड़े मार्क्स चेंज कर देते हैं, लाइक अगर यहाँ हम इंग्लिश में रूल ब्रेक करते हैं वैलिडेशन का, तो आप देखते हैं अभी भी वैलिडेशन वर्क कर रहा है वैसे ही।
तो फ्रेंड्स हिंदी के मार्क्स भी चेंज कर देते हैं और मैथ और साइंस के मार्क्स भी चेंज कर देते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम इस सारे डाटा को सेलेक्ट कर लेंगे ऊपर से लेकर नीचे तक जितना भी हमारा टेबल है तीनों के तीनों टेबल, और अब सब टोटल करने के लिए डाटा टैब के अंदर सब टोटल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है टर्म कि हम हर टर्म की वैल्यू चेंज होने पर एट ईच चेंज इन टर्म हमें क्या करना है, ये फंक्शन अप्लाई करने हैं। तो हम सम फंक्शन अप्लाई कर देंगे एंड फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा सम किसका होना चाहिए, टोटल का सम होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम टोटल का सम कर देंगे और इस कर देंगे ओके। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप ओके करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ आप देखेंगे कि हमारी फर्स्ट रो का सब टोटल हो गया है 479, यानी हमारे PT1 के मार्क्स का और PT2 के मार्क्स का भी सब टोटल हो गया है और फाइनल के मार्क्स का भी सब टोटल हो गया है। एंड फ्रेंड्स उसके बाद हमने यहाँ पर ग्रैंड टोटल निकाल लिया है। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारा सब टोटल का फंक्शन वर्क करता है कि फ्रेंड्स ये हमारे तीन टेबल्स का अलग अलग इसने पहले टोटल किया और उसके बाद नीचे फिर उसका एक फाइनल टोटल किया। तो फ्रेंड्स कई बार हमें ऐसी सिचुएशन आती है जब हमें इस तरह के सम करने होते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दैट नोटिफिकेशन बेल टू गेट अलर्ट्स ऑफ माई अपकमिंग वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।